Physios, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today we are discuss about this very important topic of female athlete stride. तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पोर्ट्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे फीमेल एथलीट स्ट्राइड के बारे में. और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट यदि आप बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें थोड़ा सा ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे और एग्ज़ाम के बाद थोड़ा सा वेकेशंस तो हो जाता है. तो सॉरी फॉर लेट. एंड लास्ट के जो वीडियोस थे उसमें काफ़ी कुछ टॉपिक्स हमने स्पोर्ट्स के डिस्कस कर दिए हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे भी जाके वहाँ पे देख सकते हैं, लाइक प्री फॉर्मेशन सिंड्रोम है, हेलमेट कंप्रेशन सिंड्रोम है, सिन स्प्लिंट्स है, स्विमर्स नी है, ये टॉपिक्स कुछ हमने डिस्कस कर दिए हैं तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं. और हमने ऑर्थोपेडिक्स कंडीशंस के भी पीटी मैनेजमेंट सारे डिस्कस कर दिए हैं. जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रोडक्शंस फीमेल एथलीट स्ट्राइड एक्चुअल होता क्या, जैसे कि सो नाउ डिस्कसिंग टू द ट्राइड्स. अभी हमने फीमेल एथलीट्स के बारे में समझा कि फीमेल एथलीट्स ओके ये समझ आता है, पर ये ट्राइड्स क्या है. ट्राइड्स मीन्स होता है एक दूसरे से, तीनों रिलेट हैं एक दूसरे से, रिलेट है फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर एंड थर्ड फैक्टर. तो थ्री फैक्टर्स होते हैं जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं. तो इसमें फर्स्ट फैक्टर में क्या आता है कि जो फीमेल्स है उसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स क्या होती है फीमेल्स की, उनका जो अपना एथलीट परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव करने के लिए वो बहुत सारी गर्ल्स क्या करते हैं, अपने वेट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. वो अपने वेट को कम करने की कोशिश करते थे कि हमारा वेट ज़्यादा गेन ना हो जिससे कि हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे. तो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए वो लॉस ऑफ वेट करते हैं, जिससे इस कंडीशन में क्या होता है कि वो धीरे धीरे उनके ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है क्योंकि वो अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं लेते, खाने प्रॉपर टाइम टू टाइम नहीं लेते हैं, डाइट अपना प्रॉपर नहीं लेते हैं. तो इस कंडीशन में ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है. तो ईटिंग डिसऑर्डर जो होता है वो होगा तो हमारी बॉडी में जो फीमेल्स है एथलीट्स है उसको एक प्रॉपर एडिक्युएट न्यूट्रिशंस चाहिए. जब वो ईटिंग अच्छे से नहीं करेगा तो इनएडिक्युएट न्यूट्रिशंस होगा, बॉडी में न्यूट्रिशंस कम हो जाएगा. न्यूट्रिशंस की कमी होगी बॉडी में तो जो हमारा हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन है, जैसे कि जो हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को रेगुलेट करने के, लाइक हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए, तो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका रेगुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मीन्स अफेक्ट हो जाता है हमारा प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, जैसे लाइक एस्ट्रोजन हो गया, हमारा FSH हो गया, LH हो गया, GnRH हो गया, मीन्स गोनाडोट्रोपिन हो गया. तो ये सारे हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनएडिक्युएट न्यूट्रिशंस मिल रहा है. तो जब हार्मोनल डिसरप्शन होगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा, धीरे धीरे हमारी बोन है, बोन डेवलपमेंट मीन्स उसमें एस्ट्रोजन का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा एस्ट्रोजन बोन को डेवलप करने में. जब एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन अफेक्ट होगा तो धीरे धीरे हमारी बोन डेवलप प्रॉपर तरीके से नहीं होगी और बार बार इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे. बार बार जो फीमेल्स होती है जो एथलीट्स ट्राइड इन कंडीशन में होते हैं उस कंडीशन में उन फीमेल्स को स्ट्रेस फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. स्ट्रेस फ्रैक्चर के चांसेस क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी बोन है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, फ्रेगाइल हो जाती है, धीरे धीरे उन ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन हो जाती है. तो इसलिए ये जो तीनों ट्राइड्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं. यदि ईटिंग डिसऑर्डर है तो धीरे धीरे उस फीमेल्स को हो सकता है धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन हो जाए. ओके, तो ये हमारे ट्राइड का मतलब है. फर्स्ट में क्या होता है, ईटिंग डिसऑर्डर होता है. सेकंड में क्या होता है कि पेशेंट का जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो बॉडी में कम हो जाता है, लाइक हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि हमारा एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन रेगुलेट करने के लिए. तो कंडीशंस हो जाती है पेशेंट को, एमिनोरिया हो गया, गोनोरिया हो गया, तो इस टाइप की कंडीशंस हो जाती है. थर्ड में क्या होता है, जब ये कंडीशन होती है तो धीरे धीरे हमारी बोन वीक हो जाती है और पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशंस हो जाती है. तो ये हमारे ट्राइड का मीन्स है, मीन्स फीमेल एथलीट्स ट्राइड मीन्स एक दूसरे से रिलेट कर गया. ओके, तो ये इन 1997 में अमेरिकन कॉलेज जो कि स्पोर्ट्स का कॉलेज है, स्पोर्ट्स मेडिसिन कॉलेज है, उसने ये सिम्टम्स पेशेंट पे देखे और उन्होंने एक टर्म एक कंडीशन समझी हेल्थ एंड डिजीज, क्योंकि फीमेल है उसके हेल्थ और डिजीज के बीच में क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या इंटर रिलेट करता है, वो उन्होंने इसके बारे में हमें बताया. ओके, तो फीमेल एथलीट स्ट्राइड में क्या है कि फीमेल एथलीट स्ट्राइड इज अ कंडीशन सीन इन एथलीट्स गर्ल एंड वो मैन डेट इंक्लूड ईट डिसऑर्डर ईटिंग, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन एंड ऑस्टियोपोरोसिस. ओके, तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि फीमेल एथलीट स्ट्राइड होता क्या है और ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक फीमेल एथलीट्स को इसके बारे में पता होना, उसके बारे में नॉलेज होना
बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अब हम समझते हैं कुछ कंपोनेंट्स है ऑफ द फीमेल एथलीट स्टाइल आर इंटरकनेक्टेड. जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि इंटरकनेक्टेड है, तो क्या क्या कंपोनेंट्स जो इंटरकनेक्टेड. फर्स्ट इज अ डिसऑर्डर ईटिंग जो कि लीड करता है इनएडिक्वेट न्यूट्रिशंस. सेकेंड इज अ इनएडिक्वेट न्यूट्रिशंस अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ अ हार्मोन सच एज एस्ट्रोजन. एंड थर्ड इज अ एस्ट्रोजन इज अ इंपॉर्टेंट रोल ऑफ बोन डेवलपमेंट. जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एस्ट्रोजन का बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हमारे बोन को डेवलप करने में. तो जब हमारी बॉडी में लो लेवल एस्ट्रोजन होगा तो इससे क्या होगा, हमारी बोन वीक हो जाएगी एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरी. मीन्स हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे कि बार बार इंजरी होने के, और जब बार बार इंजरी होगी तो धीरे धीरे स्ट्रेच फ्रैक्चर होने के चांसेस डेवलप हो जाते हैं. ओके, तो ये हमारा पूरा एक ट्राइड बना हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे. तो इसमें हम समझते हैं फर्स्ट इज अ लो एनर्जी अवेलेबिलिटी. मीन्स पेशेंट है जैसे कि जैसे ईटिंग डिसऑर्डर है, जब इनएडिक्वेट न्यूट्रिशंस हो गया तो उससे क्या हुआ, उसकी बॉडी में लो लेवल एनर्जी अवेलेबिलिटी हो गई, एनर्जी कम हो गई, पर उसका जो एक्सरसाइज कर रहा है उसकी जो इंटेंसिटी है एक्सरसाइज की वो तो हाई लेवल की है. वो बहुत हाई लेवल इंटेंसिटी का एक्सरसाइज कर रहा है, बट वो कैलोरीज है बहुत ज़्यादा बर्न कर रहा है, पर वो न्यूट्रिशन उतना प्रॉपर नहीं ले. तो धीरे धीरे हमारी बॉडी में वीकनेस तो आएगा, वीकनेस होगा, एनोरेक्सिया टाइप का पेशेंट कंडीशंस होगी एंड बुलिमिया टाइप की कंडीशंस होगी. ओके, तो लो लेवल एनर्जी अवेलेबिलिटी मीन्स डिसऑर्डर ईटिंग, रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग एंड नॉट ईटिंग इनफ. इस ईटिंग डिसऑर्डर हो गया या डिस्ट्रिक्ट हो गई हमारी ईटिंग, बाय चांस हम खाने को प्रॉपर तरीके से नहीं खा पा रहे हैं, डिप्रेशन में है, टेंशन है, कोई एंजाइटी है, तो इस कंडीशन में हम फूड में थोड़ा सा हमारे चेंजमेंट आया, डेली लाइफ में चेंजमेंट आया, या हमें इनफ फूड मिल नहीं रहा है. तो ये तीनों कंडीशन जो हमारे डिपेंड करती हैं एनर्जी को, लो लेवल एनर्जी अवेलेबिलिटी को. सेकेंड इज अ मेंसुरल डिस्टर्बेंस. मेंसुरल डिस्टर्बेंस मीन्स इरेगुलर पीरियड या एमिनोरिया. थर्ड इज अ लो बोन मिनरल डेंसिटी मीन्स ऑस्टियोपेनिया हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया. तो ये कंडीशंस देखने को मिलती है फीमेल एथलीट स्टाइल में. ओके, अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसके बारे में, एनर्जी अवेलेबिलिटी एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर के बारे में, कि क्या होता है कि जो फीमेल्स हैं जिनमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही, हो सकता है मे बी कि उनको इतना सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल रहा है और उनका जो एनर्जी एक्सपेंडिचर जो एक्सरसाइज है वो हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज है, तो उनका एनर्जी का एक्सपेंड है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और न्यूट्रिशन इनटेक वो बहुत कम कर पा रहे हैं. तो डिफाइंड एज अ डाइटरी एनर्जी इनटेक माइनस एक्सरसाइज एनर्जी एक्सपेंडिचर. मीन्स हमारा जो एनर्जी इनटेक वो माइनस है एक्सरसाइज एक्सपेंडिचर से. फूड इन एक्टिविटी लेफ्ट ओवर एनर्जी यूज फॉर फिजियोलॉजिक फंक्शन. जब हम फिजियोलॉजिक फंक्शन करते हैं जिसमें हमारी जो जितनी एनर्जी बची हुई होती, जितना हमने फूड लिया है उसके बाद जो हमारी एनर्जी बची हुई, तो हम पूरी एनर्जी किसमें वेस्ट कर देते हैं, जो फीमेल्स एथलीट्स होते हैं वो पूरा एनर्जी अपना अपने पूरा परफॉर्मेंस में अपने इवेंट्स में लेफ्ट कर देते हैं. ओके, तो लो एनर्जी अवेलेबिलिटी अपीयर्स टू बी फैक्टर एट इम्पेयर रिप्रोडक्टिव एंड स्केलेटन हेल्थ इन द ट्राइड एट मे बी इन डाइवर्ट इंटेंशनल और साइकोपैथोलॉजिकल. ओके, एनर्जी डिफिशियंसी के मोस्ट क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं. तो मेजर कॉज ऑफ द ट्राइड इज एनर्जी डिफिशियंसी. ओके, सेकेंड इज अमाउंट ऑफ फूड. मीन्स जो हम एनर्जी ले रहे हैं वो हम कंज्यूम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, जितनी हमारी डेली एक्सरसाइज हमारी इंटेंसिटियल एक्सरसाइज की अकॉर्डिंग डिमांड है हमारी बॉडी की, उतना हमें सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पा रहा, उतना हम कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं. नेक्स्ट इज अ नेगेटिव एनर्जी बैलेंस. हम अपनी बॉडी का जो बैलेंस है, जो हमारा बैलेंस है एनर्जी का बैलेंस है, वो पूरा मेंटेन नहीं कर पा रहे. बॉडी का एक होता है कि कितना एनर्जी आपको लेना है, कितना एक्सपेंड करना है, उसका एक पूरा बैलेंस रहता है. तो जो न्यूट्रिस्ट होते हैं हमारे जो एथलीट्स के, वो इस चीज़ को पूरा मैनेज करते हैं, कितना डाइट देना है, कितने टाइम तक डाइट लेना, कितना आपको प्रोटीन लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है. तो इस चीज़ का जब एथलीट्स का बैलेंस प्रॉपर नहीं हो पा रहा, बैलेंस डाइट मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशंस में हो सकता है एनर्जी पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, ईटिंग डिसऑर्डर, एनर्जी अवेलेबिलिटी, लो एनर्जी अवेलेबिलिटी हो सकता है. नेक्स्ट इज अ कैन बी कॉज बाय नॉट ईटिंग इनफ और एक्सेसिव एक्सरसाइज. इनफ फूड नहीं ले रहा है, एक्सेसिव एक्सरसाइज जितनी करनी है वो नहीं कर पा रहा है एथलीट्स. इन मैनी केस देर इज अ ईटिंग डिसऑर्डर इन्वॉल्व. तो इन सारे बहुत सारे कोर्सेस होते हैं जो कि जिसमें कि जो ईटिंग डिसऑर्डर है वो हो सकता है. नेक्स्ट इज एथलीट्स हु आर नॉट अवेयर ऑफ न्यूट्रिशनल नीड फॉर देयर बॉडीज. ऐसी भी कंडीशंस होती है, ये भी मेन कॉज होते हैं, क्योंकि बहुत सारे एथलीट्स होते हैं उन्हें नहीं पता है कि उन्हें कितना एनर्जी
लेना है, कितना एनर्जी कंज्यूम करना है, और यदि हम इतना सफिशेंट एनर्जी नहीं लेंगे तो उनकी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल होगा। ओके, तो बहुत सारे हैं एथलीट जो अवेयर नहीं होते। ओके, फर्स्ट इज अ इनटेक इज इनएडवर्टली रिस्ट्रिक्टेड, सेकेंड इज अ इनटेक डज नॉट मैच एक्सपेंडिचर, मीन्स उतना हम नहीं ले रहे वो हमारा मैच नहीं कर रहा, जितना हमें लेना उतना हमें एक्सपेंड करना वो चीज़ मैच नहीं कर पा रही है। थर्ड इज अ इनएडिक्वेट एजुकेशन रिगार्डिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो ये भी हमारा मेन कॉज होता है। ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, पेशेंट को देखने को मिलेगा एनोरेक्सिया है और बुलिमिया होता है। तो एनोरेक्सिया में क्या होता है कि जो फीमेल है उसको हर टाइम एक टेंशन बना रहता है कि हमारी बॉडी जो हमारा वेट है वो बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, मैं बहुत मेरा वेट गेन हो रहा है, और वो जब भी मिरर के सामने खड़े होगा तो उसे ऐसा लगेगा कि हम बहुत फैटी हो गए हैं, हमारा वेट बढ़ गया है। तो इस टाइप की कंडीशंस में वो पेशेंट हमेशा टेंशन में रहता है, उसे हमेशा यही लगता रहता है हमारा वेट बढ़ता जाएगा तो हम परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो एक अलग टाइप की टेंशन एथलीट्स को बनी रहती है। तो उस कंडीशंस में क्या होता है, जो फीमेल्स होती है वो अपने खाने पे इतना ध्यान नहीं देती हैं, धीरे धीरे वो अपनी जो डाइट है उसे कम कर देती है। तो इससे क्या होता है कि देखते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है। नर्वोसा मीन्स वो पेशेंट को हमेशा एक टाइप की टेंशन से रहना, एनोरेक्सिया मीन्स खाने की वजह से। ओके, तो रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग इन विच द इंडिविजुअल व्यू हर सेल्फ एज अ ओवरवेट, तो इसमें क्या होता है कि जो एथलीट्स है वो अपने फूड को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, कम कर देती है। क्यों कर देती है, क्योंकि उसे हर टाइम एक टेंशन रहता है कि हमारा वेट है वो बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में वो रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग इन विच देयर इंडिविजुअल व्यू हर सेल्फ एज अ ओवरवेट। सेकेंड इज अ इंटेंस फियर, उसे फियर रहता है गेनिंग वेट और बिकमिंग फैट इवन इन इन दो अंडर वेट, जितना उसका अंडर वेट है उससे वो उसके फियर रहता है बढ़ जाएगा वेट। थर्ड इज अ एमिनोरिया, एब्सेंस ऑफ द लेस थ्री कंसेक्यूटिव मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो एमिनोरिया, इस कंडीशन में पेशेंट को एमिनोरिया हो जाता है। एमिनोरिया मीन्स क्या होता है कि लास्ट थ्री मंथ्स, यदि थ्री मंथ्स हो गए और जो फीमेल्स है उसके पीरियड्स नहीं आए हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है पेशेंट को एमिनोरिया हो जाता है। एमिनोरिया एक बहुत बड़ी कंडीशन हो जाती है पेशेंट जो एथलीट्स हैं उनके लिए, मीन्स उनका पीरियड साइकिल मिस होना थ्री मंथ्स के लिए, तो उसे हम बोलते हैं एमिनोरिया। नेक्स्ट कंडीशन एक ईटिंग डिसऑर्डर का होता है, इसे हम बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वो उसका जितना वेट है अंडर वो वेट एकदम उसका बॉडी मेंटेन है। ओके, फिर भी उसे नॉर्मल रेंज से ज़्यादा कुछ भूख लग रही है, ज़्यादा कुछ डाइट ले रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा। यूजली इन दी नॉर्मल वेट रेंज ईटिंग लार्ज अमाउंट इन 24 आवर पीरियड डेट इज़ अ लार्जर देन मोस्ट पीपल, और जो मोस्ट पीपल हैं बहुत सारे पीपल्स हैं उनसे जितना वो 24 आवर्स है वो जितना ले रहे हैं डाइट उतने से ज़्यादा डाइट लेना, इसे हम बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है कि पेशेंट को हम सजेस्ट कर सकते हैं कि वो खाना खाए और सेल्फ वॉमिटिंग करे, सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग रिगर्जिटेशन जो होता है, मिस यूज ऑफ लग्जेटिव्स डायरोटिक्स इनेमास नॉन पर्जिंग फास्टिंग एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज। तो इस कंडीशन में हम क्या पेशेंट को सजेस्ट करेंगे कि वेट ना गेन हो और उसे भूख लग ही रही है और वो चाहता है कि मेरा वेट ज़्यादा ना बढ़े और हमें परफॉर्मेंस अंडर वेट रहना है जितना भी जिसका डाइट के अकॉर्डिंग, और उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, उसका सलाइवा है वो सलोइन कर गया है। तो उस कंडीशन में आप सजेस्ट कर सकते हो एथलीट्स को कि फिर खुद से ही सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग्स करनी, कुछ लग्जेटिव्स ले सकते हैं, आप फास्टिंग करा सकते हैं एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज कराएंगे, जितना ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे तो उतना ज़्यादा हमारी कैलोरीज बर्न होगी, तो जो एथलीट्स है वो वेट में रहेगा, अंडर वेट रहेगा। ओके, अब हम समझते हैं सेकंड ट्राइड्स के बारे में। ये हमारा सेकंड ट्राइड है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। तो इसमें क्या होता है कि एक्सरसाइज इंटेंसली एंड नॉट ईटिंग इनफ कैलोरीज, मीन्स हमारी एक्सरसाइज इंटेंसली बहुत ज़्यादा होती है, हम इनफ कैलोरीज नहीं ले रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो हार्मोन्स का जो हार्मोन होता है जो कि रेगुलेट करता है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को, उस वो रेगुलेट कर प्रॉपर नहीं कर पाता है, डिक्रीज हो जाता है हार्मोन। तो व्हेन एनर्जी लेवल आर टू लो इट डिस्टर्ब द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल कब कम होगा, जब हमारा एनर्जी मीन्स हमारा ईटिंग डिसऑर्डर होगा। ओके, व्हेन डू नॉट ईट इनफ कैलोरीज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द हाइपोथैलेमस, जब इनफ कैलोरीज नहीं लेंगे तो हमारे हाइपोथैलेमस पे इफेक्ट पड़ेगा, इनहिबिटरी इफेक्ट पड़ेगा, मीन्स जो हमारे हार्मोन्स थे लाइक जैसे कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड पे जो हमारे हार्मोन्स होते हैं जीएनएचएस हो गया, मीन्स जिसे बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स हो गया। सेकंड
डिक्रीज एलर्ज मीन्स हमारा जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो भी कम हो जाएगा, FSH हो गया हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं इनहिबिट होने लगते हैं, धीरे धीरे वो इनहिबिटेड ही हो जाते, तो इससे क्या होगा वो प्रोडक्शन उनका धीरे धीरे कम हो जाएगा, यही हमारा इफेक्ट पड़ता है हमारे हाइपोथैलेमस पे। तो GnRH हो गया, LH हो गया, FSH हो गया, तो ये सारे इनहिबिट होने लगेंगे जिससे कि लेस स्टिमुलेट मिलेगा हमारी ओवरीज को। ओवरीज जब स्टिमुलेट नहीं होगी तो हमारा जो एस्ट्रोजन हार्मोन है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये प्रॉपर तरीके से स्टिमुलेट, जब स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा तो ये प्रोड्यूस नहीं होंगे। जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो प्रोड्यूस नहीं होंगे तो हमारी बोन क्या है धीरे धीरे वीक हो जाएगी, क्योंकि हमारा एस्ट्रोजन है ये हमारा नेसेसरी है फॉर बोन को ग्रो करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके तो क्या क्या कंडीशन होती है, एमिन्यूरिया हो गया मीन्स 3 मंथ से ज़्यादा हो गया, यदि मेंसेस अब्सेंस है मीन्स पीरियड्स अब्सेंस हो गए फीमेल्स के तो उसे हम एमिन्यूरिया बोलते हैं। प्राइमरी में क्या रहेगा कि जो स्टार्टिंग का एज होता है जब हमारे पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं मेनार्च, उस कंडीशन में वो डिले हो रहा है एज के अकॉर्डिंग डिले हो रहा है, लाइक 13 ईयर्स ओल्ड फीमेल है और उसकी अभी तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुई है तो उस कंडीशन में हम प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी में क्या आ जाता है कि आफ्टर मेनार्च धीरे धीरे क्या होता है कि आफ्टर मेनार्च धीरे धीरे क्या होता है कि जो पीरियड्स है वो मिस होते जा रहे हैं तो सेकेंडरी प्रॉब्लम्स हो जाती है पेशेंट को। एंड ओलिगोमेनोरिया मीन्स क्या होता है साइकिल ग्रेटर देन 35 डेज, जब 30 डेज से साइकिल है वो एक्सटेंड कर जाती है 35 डेज से ज़्यादा हो जाती है मोर देन हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। तो ये सारी कंडीशंस होती है फीमेल एथलीट्स में आपको देखने को मिलेंगी जब आप उनसे जब उनको प्रॉब्लम होगी उस कंडीशंस में, जब आप उनको असिस्ट करेंगे तो आपको ये सारे सिम्टम्स हैं पेशेंट के वो सारे कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट इज अबनॉर्मल मेंसेस। अबनॉर्मल मेंसेस होने की वजह से जो पेशेंट है वो उसको बहुत ज़्यादा कॉज करता है स्ट्रेच फ्रैक्चर, बिकॉज बोन मिनरल डेंसिटी डिक्रीज विद इन द नंबर ऑफ मिस मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस होती है तो क्या होता है कि चांसेस हो जाते हैं कि हमारी बोन है वो धीरे धीरे वीक हो गई होगी, बोन वीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इससे क्या होता है कि हमारे इंसिडेंस क्या स्ट्रेच फ्रैक्चर का होता है इन एक्टिव वुमेन विद द मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। जब मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होगी जो कि हम आपको लास्ट में भी ये चीज़ बहुत बार बता चुके हैं। ओके तो आई होप आप यहाँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज अ लो मिनरल, लो बोन मिनरल डेंसिटी इज अ थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर में क्या आता है कि इसमें हमारी जो बोन की मिनरल डेंसिटी है वो वीक हो जाती है, जैसा कि आप समझ गए क्यों वीक हो जाती है उसके सारे रीजंस मैंने आपको बता दी थी, क्योंकि हार्मोन्स का प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। बोन इज अ डायनेमिक स्ट्रक्चर, ओके, कंसिस्टेंटली बींग रिमॉडलिंग बाय द ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। हमारा जो बोन का फॉर्मेशन होता है, हमारा जो बोन का, जब आपने पढ़ा होगा कि स्टेज होती हैं जो कि बोन को फिर से रिमॉडलिंग एंड हमारे रिमॉडलिंग जो फेज होता है उसमें क्या होता है ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट फेजेस होते हैं, तो ये इससे क्या होता है कि हमारे बोन की मिनरल डेंसिटी वो इंक्रीज होती है। तो ये कंडीशंस में क्या होता है जब एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है लेस हो जाता है तो हमारी जो ऑस्टियोब्लास्टिक कंडीशन होती है ऑस्टियोक्लास्टिक कंडीशन होती है वो धीरे धीरे लेस होती जाती है। जब हमारे बोन में कोई रिमॉडलिंग फेज नहीं होगा तो हमारी बोन धीरे धीरे क्या होगी वीक हो जाएगी फ्रिगल हो जाएगी एंड देन कंडीशंस क्या होगी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। ओके तो हमारी ऑस्टियोप्लास्ट कंडीशन और ऑस्टियोब्लास्ट कंडीशन ये बहुत ज़्यादा लेस हो जाती है ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ओके एथलीट्स रिक्वायर 5-15% हायर बोन मिनरल डेंसिटी देन एज मैच नॉन एथलीट्स। जो नॉन एथलीट्स हैं उनसे ज़्यादा 5-15% हायर उन्हें चाहिए कि उनकी बोन की मिनरल डेंसिटी ज़्यादा हो जो नॉर्मल है नॉर्मल फीमेल्स है। ओके विद रिड्यूस बोन मिनरल डेंसिटी इंक्रीज बोन फ्रिगलिटी एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ अ फ्रैक्चर्स। सो स्ट्रेच फ्रैक्चर अकरेंस इन ग्रेटर इन द एमिनोरिक एथलीट्स। ओके नेक्स्ट इज अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स अ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो कि हमारे क्लिनिकल पेशेंट की सिम्टम्स होते हैं प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे, वेट लॉस देखने को मिलेगा आपको एंड अब्सेंस और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलेगा, क्रोनिक फटिग पेशेंट बहुत ज़्यादा फटिग रहेगा, फ्रैक्चर विदाउट सिग्निफिकेंट ट्रोमा कोई भी ट्रोमा नहीं हुआ है आपको फ्रैक्चर कंडीशन देखने तो इस फ्रैक्चर को ही हम बोलते हैं स्ट्रेच फ्रैक्चर। एंड कंपल्सिव एक्सरसाइज इंक्रीज इन्फेक्शन एंड इलनेस डिक्रीज एबिलिटी टू रिकवरी फ्रॉम इंजरीज एंजाइटी एंड डिप्रेशन न्यूट्रिशन डिफिसिटीज एसोफेजाइटिस एंड ओसोफेजल परफोरेशंस एंड कॉन्स्टिपेशन एंड इम्पेयर्ड एथलीट्स परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस मसल्स मास। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं फीमेल्स के। नेक्स्ट इज अ रिस्क फैक्टर, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होंगे, एथलीट्स एट अ ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर लो एनर्जी अवेलेबिलिटी आर दोज हु क्या क्या रिस्ट्रिक्ट डाइटरी एनर्जी इनटेक एक्सरसाइज फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड मीन्स डाइटरी वो पेशेंट कम ले रहा है पर जो एक्सरसाइज है वो लॉन्ग टाइम तक कर रहा है, ये हमारे रिस्क फैक्टर है। वेजिटेरियन होना भी एक रिस्क फैक्टर है,
एथलीट्स के लिए, लिमिट द टाइप ऑफ फूड दे विल ईट एंड साइकोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन, लो सेल्फ इस्टीम, फैमिली डिसफंक्शन, अब्यूज, बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड जेनेटिक्स. ओके, अब हम समझते हैं थोड़ा सा हमें डायग्नोस करने की नीड होती है. तो डायग्नोस करने के लिए हम पेशेंट से पेशेंट का असेसमेंट लेंगे, मीन्स पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट से उसके प्रेजेंट पास्ट एंड मेडिकल हिस्ट्री लेंगे. तो हम इसके लिए स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, जिसे हम डायग्नोस करने के लिए हेल्प करता है ये हमारे स्क्रीन टेस्ट. तो स्क्रीनिंग कैन अकर एनी टाइम ऑफ एथलीट्स इज इवैल्यूएटेड, लाइक अ हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री एंड पास्ट हिस्ट्री एंड मेडिकल हिस्ट्री. तो ये सारी हिस्ट्री लेने के बाद हमारा जो मेडिकल हिस्ट्री है वो मस्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो पेशेंट से आप पूछेंगे कि कोई भी एनी पास्ट एंड करेंट कोई भी मेडिकल कंडीशंस तो नहीं है, कोई सर्जरी तो नहीं हुई, अभी कभी आप हॉस्पिटलाइज तो नहीं हुए. आस्क अबाउट मेडिसिन, सप्लीमेंट, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड द एथलीट्स मे बी टेकिंग. एक्सप्लोर फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, ईटिंग डिसऑर्डर एंड अदर रेलिवेंट्स. ओके, नेक्स्ट इज अ मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल से इसके बारे में हिस्ट्री लेना. सो आस्क अबाउट द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मीन्स कब इसका मेनार्ज स्टार्ट, कब स्टार्ट हुए थे, एंड रेगुलरिटी अब क्या रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, एंड इरेगुलरिटी क्या है वो भी आपको पूछना है. ओके, नेक्स्ट इज अ इंक्वायरी अबाउट द फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, कितने दिनों तक आपका पीरियड्स डे रहता है, कितना फ्रीक्वेंसी है, कितने 30 डेज है, 28 डेज है, या कितने 3 दिन का, 4 दिन का, ये सारा आपको पेशेंट की हिस्ट्री लेना है. डिटरमाइन इफ द एथलीट्स हैज एक्सपीरियंस एनी चेंज इन द मेंस्ट्रुअल पैटर्न, सच एज इरेगुलर और अब्सेंट पीरियड, इरेगुलर या अब्सेंट हुए, तो उसके बारे में आपको पेशेंट से सारा कुछ हिस्ट्री लेना है. एक्सप्लोर एनी सिम्टम्स एसोसिएटेड विथ मेंस्ट्रुएशन, पेन, हैवी ब्लीडिंग, मीन्स ऐसे जब भी आपके मेंसेस होते हैं तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा पेन तो नहीं रहता है, हैवी ब्लीडिंग तो नहीं होती है, तो ये सारी हिस्ट्री आपको लेनी होगी. ओके, तो क्या क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं पेशेंट से, व्हेन योर वाज लास्ट पीरियड कब थे, हाउ मेनी डेज डज योर पीरियड लास्ट, एंड हैव यू एवर मिस 3 or more कंसेक्टिव पीरियड्स, डज योर मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंज विद द चेंज इन द इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और अ ड्यूरेशन ऑफ अ ट्रेनिंग्स. ओके, तो ये सारा हमारा जो असेसमेंट का पार्ट है, लाइक अ साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल असेसमेंट भी आप पेशेंट से देख सकते हैं कि पेशेंट किस टाइप का उसका बिहेवियर है. जब पेशेंट को कोई कंडीशंस होती है, प्रॉब्लम्स होती है, तो उसमें आपको बिहेवियर से पता चलता है कि उसका मूड कैसा है, एंजाइटी लेवल कैसा है, उसका डिप्रेस तो नहीं है पेशेंट. तो ये सारी कंडीशंस आपको असिस्ट करते टाइम सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी. एथलीट्स परसेप्शन ऑफ बॉडी इमेज, जो एथलीट्स है उसकी माइंडसेट क्या है, उसकी बॉडी को लेकर, उसका वेट ज़्यादा है, वेट कम है, क्या है उसके उसकी अंदर थिंकिंग क्या आ रही है उसकी बॉडी के लिए. तो ये आपको सब पेशेंट को पता चलेगा जब आप पेशेंट से अच्छे से इवैल्यूएट करेंगे, उसकी कंडीशंस को पूछेंगे, जिससे कि पेशेंट आपको बताएगा कि वो सेटिस्फाई है अपनी बॉडी वेट को लेके या नहीं है. ओके, सेटिस्फेक्शन विथ वेट एंड अपियरेंस, इंक्वायर अबाउट मूड, स्ट्रेस लेवल एंड कॉपिंग स्ट्रेटजीज एंड डिग्री ऑफ परसीव स्ट्रेस ड्यूरिंग मिस वर्कआउट. जब उसका वर्कआउट मिस हो जाता है तो उस टाइम क्या कंडीशंस रहती है, पेशेंट उसके बारे में सोचता है, स्ट्रेस होता है या नहीं होता है. आस्क अबाउट एनी हिस्ट्री ऑफ anxiety, depression and other mental health concern. Explore stature related to athlete's performance, school, work, family and personal life. क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंट को इवेल्युएट करने का, क्योंकि एज आप स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आपको फीमेल्स को अच्छे से रीड आउट करना है, उसको इवेल्युएट करना है, जिससे कि उसकी कंडीशंस को आप समझ सकें और उसे ट्रीट कर सकें. ओके, न्यूट्रिशनल हिस्ट्री लेंगे आप पेशेंट से, असिस डेली फूड इनटेक, कितना फूड इनटेक करते हैं, इंक्लूड टाइप्स एंड अमाउंट ऑफ अ फूड कंज्यूम, इंक्वायर अबाउट एनी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन प्रेफरेंस एंड फूड रिलेटेड रिचुअल, आस्क अबाउट वेट हिस्ट्री इंक्लूडिंग एनी इंटेंशनल वेट लॉस और अ गेन, अभी कभी आपने इंटेंशनली वेट लॉस हुआ है या गेन हुआ है इसके बारे में पूछेंगे. एक्सप्लोर द एथलीट्स नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन प्रैक्टिस, डिटरमाइन इफ द एथलीट्स हैज एक्सपीरियंस एनी सिम्टम्स ऑफ अ न्यूट्रिशनल डेफिशियंस, लाइक एक्सरसाइज फटीग, वीकनेस एंड डिजीनेस. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हिस्ट्री लेंगे आप पेशेंट की, उसका एक्सरसाइज का पैटर्न क्या रहता है, कितना उसका इंटेंसिटी रहता है, एक्सरसाइज पैटर्न, ट्रेनिंग इंटेंसिटी, एडिशनल एक्सरसाइज, आउटसाइड ट्रेनिंग, कोई और आउटसाइड ट्रेनिंग तो नहीं कर रहा, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज तो नहीं कर रहा, हिस्ट्री ऑफ एनी इंजरीज, फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का देखेंगे कि कोई ऐसा साइन तो नहीं है, एनोरेक्सिया के साइंस तो नहीं है, लाइक ब्रेडीकार्डिया, हाइपोटेंशन, लिनोगो. लिनोगो मीन्स क्या होता है कि एक ये मोस्टली हेयर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, लाइक इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं उनके अनपिगमेंटेड हेयर्स होते हैं, लाइक थिन होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं. ये जो लिनागो है ये फीटल्स हेयर देखने को मिलते हैं, जब फीटस होता है
बेबी बर्थ होता है तो उस टाइम जो हेयर्स होते हैं, वो जो हेयर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लैनगोयर्स। तो ये हेयर्स तो अभी ऐसा नहीं है पेशेंट में। एंड हाइपोथर्मिया, कोल्ड इंटॉलरेंस, पेशेंट कोल्ड को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, येलो स्किन हो रही, ड्राई हेयर स्किन है, एलोपेसिया, एलोपेशिया मीन्स होता है कि जो पेशेंट है उसके बहुत ज़्यादा हेयर है वो लॉस तो नहीं हो रहे हैं। एलोपेशिया ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें कि पेशेंट के हेयर लॉस हो जाता है बहुत जल्दी, स्ट्रेस की वजह से या अदर कंडीशंस की वजह से हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। एंड प्रूराइटिस, प्रूराइटिस में क्या होता है कि जो पेशेंट है उसे इचिंग हो रहा है, लाइक अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इरीटेट हो रहा है, उसको सेंसेशन है, वो इरीटेशन सेंसेशन मिल रहा है। तो इस टाइप की कंडीशंस तो पेशेंट को नहीं है। इस सारे साइन सिम्टम्स आप पेशेंट को देखेंगे, एग्जामिन करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो कुछ लैब टेस्ट है, जो कि लैब टेस्ट करेंगे आप, लेबोरेटरी डाटा एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम EKG कराएंगे। तो लैब टेस्ट में CBC, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रेगनेंसी टेस्ट एंड हार्मोनल टेस्ट, FSH, LHN, प्रोलैक्टिन, थायरॉयड फंक्शन टेस्ट, ये सारे टेस्ट कराएंगे। एंड EKG में क्या कराएंगे, एथलीट्स को आप कंसीडर करेंगे कि कोई जो ईटिंग डिसऑर्डर है उसकी वजह से उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कोई सिंको, पालपिटेशंस, रेस्टिंग हार्ट रेट क्या है। तो ये सारा आप पेशेंट को लैब टेस्ट में जाके आप सारे टेस्ट करके देखेंगे। नेक्स्ट इज अ प्लेन रेडियोग्राफ, आप एक्सरे इमेजिन भी कर सकते हैं, रेडियोग्राफी करा सकते हैं, MRI करा सकते हैं यदि कोई स्ट्रेच फ्रैक्चर हुआ है, 3-phase बोन स्कैन या MRI जो कि स्ट्रेच फ्रैक्चर हुआ है, डेक्सा स्कैन कराते हैं, जो कि डेक्सा स्कैन में क्या होता है कि इसमें हम पेशेंट की जो स्पोर्ट्स के लिए होता है डेक्सा स्कैन, इसमें क्या होता है यदि पेशेंट जो 1 साल से अमिनोरिक है तो उसके लिए हम ये कराएंगे स्कैन, BMI उसका लेस देन है 18 से तो हम ये टेस्ट कराएंगे, हिस्ट्री स्ट्रेच फ्रैक्चर की है तो हम उसके लिए डेक्सा स्कैन टेस्ट कराएंगे। अब हम नाउ डिस्कसिंग टू द ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या क्या ट्रीट पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए क्या एडवाइस देंगे, क्या आप पेशेंट को सजेस्ट करेंगे। तो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टी डिसिप्लिनरी होगा क्योंकि आप अकेले एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते। यहाँ पे न्यूट्रिस्ट का बहुत बड़ा रोल होगा, उसके जो कोच है, उसका जो गाइडर्स है, उसका बहुत बड़ा रोल होगा। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। ओके, ओनली स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट के हैंड में नहीं होगा कि उसे हैंड आउट करना। सो टीम में भी कॉम्प्राइज ऑफ वेरियस हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंक्लूडिंग लाइक एथलेटिक ट्रेनर्स, प्राइमरी केयर स्पोर्ट्स मेडिसिन जो कि फिजिशियन है उसका, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, न्यूट्रिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है एंड फैमिली एंड अ कोच। तो ये पूरा टीम वर्क काम होगा। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ फार्मोलॉजिकल थेरेपी भी देते हैं और पेशेंट को नॉन फार्मोलॉजिकल थेरेपी भी देंगे। तो नॉन फार्मोलॉजिकल थेरेपी में क्या होगा कि हम डाइट्री पेशेंट को देंगे। डाइट्री में क्या होगा कि इंक्रीज करेंगे कैलोरिक इनटेक विद अ रिटर्न ऑफ अ नॉर्मल मेंसेस, फिर से उसके जो मेंसेस है वो फिर से रिटर्न हो सके नॉर्मल लाइफ में, फिर से वो आ सके, तो हम उसे कैलोरी देंगे। एंड डाइट से हमें रिलेटेड रहेगा क्योंकि हमें BMI इसका देखना है, बैलेंस डाइट देनी है पेशेंट को। ओके, लीड टू डिक्रीज बोन रिजॉर्प्शन एंड इंक्रीज BMD टू हाइपोथैलेमिक एमिनोरिया, इंक्रीज एनर्जी अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग एनर्जी इनटेक, रिड्यूसिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर और अ कॉम्बिनेशन। तो हम जो एनर्जी अवेलेबिलिटी है उसे इंक्रीज कर देंगे, मीन्स एनर्जी इनटेक मीन्स हम न्यूट्रिशन इनटेक बढ़ा देंगे और एक्सपेंडिचर है उसे धीरे धीरे कम कर देंगे। ओके, एंड काउंसिल पेशेंट एट द नीड ऑफ एनर्जी अवेलेबिलिटी ऑफ 30 kcal पर ग्राम लीन बॉडी मास डे पर एट अ मिनिमम पर डे इतना कैलोरी पेशेंट को चाहिए। नेक्स्ट इज अ न्यूट्रिशन जो कि इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन कंसल्ट टू एडजस्ट नेसेसरी फूड सच एज अ डायरी आयरन रिच एंड प्रोटीन्स सॉरी डेरी सॉरी 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 डेरी आयरन रिच एंड प्रोटीन्स कंसेंट डाइटिंग एंड और रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनर्जी इनटेक कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द न्यूट्रिशन रिपेयर मसल्स रिसोर्स एंड रिकवरी फ्रॉम अ इंजरी। कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गई, कैल्शियम मेंटेन स्टोर योर बोन ऑन 1500 mg आपको पर डे कैल्शियम देना है, विटामिन डी हेल्पिंग द बॉडी अब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर्म ऑफ फूड लाइक 400 to 800 डेली पेशेंट को एनर्जी वो विटामिन डी देना है। कैल्शियम सोर्सेज एंड विटामिन डी सोर्सेज पेशेंट को सजेस्ट करने क्या क्या सोर्सेज हैं जो कि पेशेंट और फूड सप्लीमेंट कर सके एंड अपनी डेली डाइट में एड ऑन कर सके। रिस्टोरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फंक्शन, कैसे मेंस्ट्रुअल फंक्शन को रिस्टोर कर सकते हैं, या तो आपने कोई मेडिसिन ले रहे हैं, आप डाइट अच्छा ले रहे हैं और हम डेली एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज कर सकते हैं, इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं जिससे कि हम नॉर्मल फिर से रिटर्न हो सके उस लाइफ में। रिड्यूसिंग एक्सरसाइज इंटेंसिटी मीन्स मॉडिफाई द ट्रेनिंग रिजाइम, जो भी ट्रेनिंग का रिजाइम है उसे मॉडिफाई थोड़ा करेंगे, डिक्रीज कर देंगे हमारा जो फिजिकल स्ट्रेस है बॉडी का, लाइक जो हमारी इंटेंसिटी है एक्सरसाइज की वो धीरे धीरे कम कर देंगे एंड अलाउ द रिकवरी एंड हार्मोनल बैलेंस, जो कि हमारे
हार्मोनल बैलेंस करेगी, रेगुलेट करेगा बॉडी को, मेंटेन रखेगा एंड धीरे धीरे हमारी बॉडी में रिकवरी हो जाएगी। हार्मोनल थेरेपी में क्या होता है, इन सम केस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और अदर हार्मोनल ट्रीटमेंट यूज टू द रिस्टोर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कुछ होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं और कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं लाइक और कुछ मेडिसिन होते हैं जो कि हमारे रिकवर रिस्टोर करने में हेल्प करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को। ऑल दो दिस शुड बी केयरफुली कंसिडर ड्यू टू पोटेंशियल साइड इफेक्ट एंड डज नॉट एड्रेस द अंडरलाइंग एनर्जी डेफिसिटीज। ओके, लास्ट जो कि हमारा है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रिवेंट करना क्या, प्रिवेंशन के लिए एज अ कोच एंड एज एन एथलीट्स, कोच और एथलीट्स दोनों को ही ये फीमेल एथलीट्स डाइट को प्रिवेंट करना होगा क्योंकि आप जो कोच है उसे पूरा इसके बारे में पेशेंट को जो कोच है उसे पूरा एथलीट्स को अच्छे से डिटेल में इसके बारे में समझाना होगा, उसकी नॉलेज प्रॉपर देनी होगी जिससे क्या है कि हम इन फ्यूचर जो फीमेल एथलीट्स हैं वो इस कंडीशन से हमेशा अपने आप को प्रिवेंट कर सके। तो नॉलेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोच को क्या करना है, रिमाइंड एथलीट्स, उसे बार बार रिमाइंडिंग करना है, याद कराना है पेशेंट को कि आपको हेल्दी फूड लेना है, ईटिंग प्रॉपर तरीके से लेना इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी सक्सेसफुल ट्रेनिंग के लिए, आपके परफॉर्मेंस के लिए और आपकी हेल्थ के लिए। ओके, फोकस ऑन अ हेल्दी बॉडी लाइक इमेज एंड नॉट ऑन अ वेट। पेशेंट को जो कोच है वो बताएगा, पेशेंट को समझाएगा एथलीट्स को कि आपका वेट पे ध्यान नहीं देना, आपको अपनी हेल्थ बॉडी की हेल्थ पे ध्यान देना है। यदि हेल्दी बॉडी है तो आपको वेट पूरा कोई भी फोकस नहीं करना है। एंड सपोर्ट एथलीट्स थ्रू ट्रेनिंग एंड अपग्रेड लाइफ एंड हैव अवेलेबल रिसोर्स सच एज न्यूट्रिशन ट्रेनर्स एंड काउंसलर्स। ओके, एज एन एथलीट्स, एज एन आप एथलीट्स हैं तो आप कैसे प्रिवेंट करके रखना है, मॉनिटर मेंस्ट्रुअल साइकिल बाय यूजिंग कैलेंडर, आप हर पर मंथ आपको मॉनिटरिंग करनी है। कंसल्ट ए फिजिशियन, एक अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड रिकरेंट इंजरी लाइक अदर स्ट्रेच फ्रैक्चर्स, एंड टॉक टू काउंसलर इफ यू आर ओवरली कंसर्न अबाउट योर बॉडी इमेज, एंड सी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन टू हेल्प यू डिजाइन ए हेल्दी डाइट दैट इज स्पेसिफिक टू योर स्पोर्ट्स। सीक इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम अ कोच एंड गार्जियंस एंड अ टीम। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये टॉपिक जो है कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आपकी डेली लाइफ से भी इम्पॉर्टेंट है, एज अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ आया होगा एंड वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी क्वारी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।